ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض ويبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا فاستغفر الله إن الله كبير إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. की बात है वो फिर हर बार दिमाग में आती है कि इंसान जानबूझकर गलती क्यों करता है, गलत लोगों से मिलो सही लोगों की संगत इख्तियार करो, और लोगों के साथ किस्मत के हवाले से मुकाबला करने से बचो, अमीर दुनिया में गरीब रहना पसंद करो, पहले फैसला कर लो कि आपकी तरजीहात क्या हैं। अगर तरजीहात का फैसला नहीं किया इंसान परेशान रहेगा कि हम चाहते हैं कि हमारी आकबत बेहतर, चलो बाजार बेहतर कर लेते, लेकिन देखना जी अब से दुनिया में तो गुजारा करना है या आगे पेशानी भी, कि अब से दुनिया में गुजारा फिर क्या है, आकबत बेहतर करनी है तो फिर आकबत बेहतर कर, दुनिया बेहतर करनी है दुनिया बेहतर करो, लेकिन मतलब यह है कि जब तक ये क्लियर ना हो ना इंसान ने जाना कहाँ है, तो वो फिर आवारा मीरे बम के ना दान दिया रहे कभी दे जाएगा कभी दे जाएगा। ये मुसलमानों का मेन प्रॉब्लम है कि उन्हें जिंदगी पसंद है इस्लाम की, और वो कहते हैं यही बयान करते रहते हैं कि हज़ूर के मुसलमानों की जिंदगी ये थी, खजूर की चटाई बिस्तर था ये थे ना, ईंट का सराहना था, चटाई पर थे, सादा जिंदगी न जमा किया न साहब दिखात होने का ख्याल है, अब ये जो है वो जिंदगी है, अगर आला है आला हम आपकी बन गए हैं, मुसलमान की बन जाते हैं वो जिंदगी, सावा ग्राम की जिंदगी, औलिया ग्राम की जिंदगी, आप दिन को रोज़ा रखते थे, रात को जागते थे, बड़ी इबादत करते थे, आबद लोग थे तो थे हैं तो हैं, सो तुम्हें कहा बस ये चीज़ जब तक फैसला ना हो बात बनती नहीं है। नहीं मेरी बात समझाई समझाई, डिस्टर्बेंस परेशान लो दिन दो उसको उतार दो शुरू करो टेलीफोन की शुरू करो आधी दीदी जमाते हैं टेलीफोन पर गर्क हुई है गर्क, ये पीर साहब है ना खुतबा दे रहे हैं खुतबा नहीं होता मजबूत आज कोई पीर साहब टेलीफोन आ गया लो जी एक्स वाई जेड साहब को टेलीफोन आ गया, प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए, जनरल साहब हेड मास्टर आ गया, अच्छा वो खुदबा वहीं रह गया टेलीफोन, ये तो इन्फिल्ट्रेट करता है ना हाँ, तो ये जितने फुर्सत के चंद लम्हात हों पहली बात है कि उसको बैरूनी दुनिया से मुनकते करो, ये भी हो सकता है कि उसको अटेंड कर लिया जाए, बहुत जरूर टेलीफोन
तो ये भी था कि इसकी अहमियत डाली। अब दोनों में से एक बात दबा सकते, किसकी लाइन दबाओ, कुछ भी डाले बोलता नहीं बात समझे। अब ये फैसला हमने कर लिया, क्या फैसला कर लिया कि टेलीफोन को नहीं सुनना हमें, बड़े इंपॉर्टेंट है जी, तभी तो नहीं सुनना हमने कि जिस चीज़ को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहते हो, मोस्ट होता ही होगा जिससे मोर कोई ना हो। आज आगे 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 कितने भागे जा रहे हो, मुश्किल से तो आए हो, किस मैटर पहले देर से आए फिर दूर तक चले जा रहे हो, यहीं बैठ जाओ, ये पीछे नहीं आ जाओ, पीछे दरम्यान में चुका चक बात है। अच्छा जी, मोस्ट किसे कहते हैं, मोस्ट वो है जिसका मोहर कोई ना हो। हाँ, तो मुसलमानों की प्रॉब्लम या इंसान की प्रॉब्लम यह है कि चीज़ को जानते हुए कि हमें ये करना है, आप फैसला कर लेते हैं कि इस बुराई से बचना है, ये इस खामी से बचना है, ये नहीं करना, तो ना ना करते हुए फिर वो गलतियाँ बढ़ती। भाई डॉक्टर ने मना किया कि मीठा चीज़ नहीं खाना है, वो कहते हैं डॉक्टर ने मना कर किया, पर एक दफ़ा खा लेते क्या पर बिछा पा जाएगा, फिर परेशान हो जाएगा। ये इंसान का क्यों ऐसा होता है, ये सवाल आपका है कि एक आदमी जानता है कि कोई भी नशा बुरा है और फिर वो उस बुराई को बुरा कहते हुए भी कर देते, फैसला करते हुए कि विल नॉट डू इट ही डज इट, बात ये क्यों है। ये इसलिए है कि इंसान जो है उसने ये फैसला नहीं किया, प्रायोरिटीज का यानी कि तरजीहात का फैसला नहीं किया कि हमने कौन से कब्रिस्तान में जाना है। अगर ये फैसला कर लिया जाए कि शेखों के कब्रिस्तान में जाना है, ये आपको मियां लोगों से क्या करें, जो फैसला कर उसी तरफ जाओ। और जिसने ये फैसला कर लिया कि मैं इस किस्म के लाइफ गुजारूंगा, उस किस्म की लाइफ गुजारे, तो मेन वजह यह है कि हमारी तरजीहात नहीं है, ख्याल की तरजीहात है इस्लाम और अमल की तरजीहात है दुनिया, जिसको हमने पहले बताया कि ज़िंदगी फिरौन की तो आकबत मूसा अलैहिस्सलाम। अब अल्लाह भी तो इतना अल्लाह सादा नहीं है कि तुम ज़िंदगी फिरौन की गुजारो तो आकबत आपको मूसा अलैहिस्सलाम की दे, अल्लाह पर आकबत भी मूसा ही करेगी, और ज़िंदगी गुजारोगे फिरौन की तो फिरौन की देगा, या तुम ज़िंदगी वो गुजारो आकबत वही लेगा, या जो ज़िंदगी गुजार रहे हो मेरे खिलाफ। तो ये इंसान जो है ये पहले भूल भुलैया में पड़ रहता है। अगर तरजीह हम बयान करते जा रहे हैं हुज़ूर अकरम की ज़िंदगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उस ज़िंदगी को इख्तियार करो। कितने लोग हैं जिन्होंने जहेज इसलिए कम मांगा कि हुज़ूर अकरम का मतलब इरशाद है, या कम दिया निकल के मुझे जहेज ये नहीं मिलेगा, जो कुछ चाहिए कुछ है, तो कम लोग हैं। तो हम लोग ज़बाने ज़माने के पाबंद हो या दीन के पाबंद हो, अगर ज़माने की मजबूरियाँ बयान करनी है तो दीन तुमसे नहीं मिलता, इच्छा करो दीन को बयान करते छोड़ दो, ज़माने के साथ है चलो, वरना मतलब न खुदा ही मिला ना सारे, नौ दिन को मिलेगा नौ दिन को काम मिलेगा। एक आदमी का रस्सा बन रहा था, रस्सा ये रस्सी घास घास नहीं होती, उसकी रस्सी बुन रहा था, इतवा के उसके बाद गधा खड़ा था, बुनता गया गधा अपना काम करता रहा, तो साल के बाद कितनी रस्सी उसने बुनी, वही टुकड़ा जो हाथ में था, मैं जी हम कि अमल बड़ा किया, और 10 कदम मशर को गया, हम 10 कदम मगरब को गया, फिर जनूब को गया, फिर हम शिमाल को गए, हम भी करते रह गए, कहाँ पहुँचे अब वहीं खड़े हैं, क्योंकि हम कहीं नहीं गए, जहाँ गए वहाँ से वहाँ आए। तो ये हम 80 लेट करते रहते हैं पेंडुलम की तरह, कड़ी का पेंडुलम मतलब वो 80 लेट करता है, दरमियान में मतलब अपने मकाम पर खड़ा ही होता है, इधर चला गया, ओ दूर तक चला गया, फिर इधर दूर तक चला गया, अरे हम चलते जा रहे हैं मतलब जहाँ से वहाँ वहाँ से असल में खड़े थे। ये सारा वह इंसान को अब एक बात राय ले लो, मशवरे ले लो, अगर वैजा जमता फतह वक्ल अल्लाह, जब अजम कर लो अल्लाह को तब कर काम कर लो, और हम यही नहीं करते, हम जो फैसला करते हैं इतवाब से उसके बरक भी फैसला कर रहे थे, वो मुझे वहाँ जाना चाहिए प्रदेश जाना, वहाँ जाप बड़ी सी मिल गई, प्रदेश जाने का नुकसान भी बढ़ाता है,
अच्छा अच्छा जन्ने में जा फिर याद उधर जा तो याद उधर ना याद ये उसके भी फायदे मार रहा है उसको रहती भी फायदे कर ये जो है ना जवाहर लाल बाड़ी की टीम में वो सच पूछे तो आई जी का अच्छा फिर तो उसमें भी खूबी तो है ये नहीं भी खूबी है तूने जमात में दिया तू झूठा भी तू मुजरम है सारा पाकिस्तान अब वो है पाकिस्तान के दुश्मन गद्दार जो दोनों को सही कहते हैं या दोनों को गलत कहते हैं और खुद नहीं काम करते मेरी बात समझ याद है तुम खुद आ जाओ ना मैदान में तो ये है मेरी बात दोनों को गलत कहते हो कहते ये भी झूठे हैं वो भी झूठे हैं सच्चे साफ तो भी बोलो कुछ कहते हम नहीं बोल सकते मैंने एक दिन बार रखा था आपको बताया था कि जब कोई ये कहे कि क्या कर रहे हैं झूठे लोग इन्हें पूछो झूठे लोग क्या कर रहे हैं ये पूछो सच्चा किधर मर गया वाह उसे पूछो तुम क्यों नहीं आया अभी तक यानी कि झूठा कार्रवाई कर रहा है तो उसे पूछो कि इसके बरक्स है वो किधर गया सच सब कहाँ सोया हुआ है अगर सच्चा सो गया तो झूठा तो बेचारा मजबूर है वो तो करेगा अपने कार्रवाई तो फाट लाइज भी था सच्चा तो ये सारा कसूर किसका है सच्चे का वो जब तक नहीं आएगा जी रात अंधेरी थी बड़ी अंधेरी रात है कहते फिर क्या करें कहते अंधेरी बड़ी है क्या करें कहते सूरज कितने चला गए उसे पूछो किसे पूछो अगर सूरज आ गया तो रातें जाते अंधेरी नहीं रहेंगी तो अंधेरी रात उसमें तो कि सूरज नहीं आया तो इसलिए मरे तब जो सांस ना आया जलसे कर रहे हैं गीजड़ लोग तो शेर का फिर भी खुदा लगाता होगी शेर के तरह कहते शेर बीमार है शेर जैसे माड़े के शेर माड़े के गीजड़ जलसे करेंगे जरूर करेंगे क्यों नहीं करेंगे तो शेर जब तक बदले बीमार है जब तक बदले भगवान डे हुए हैं तो गीजड़ों को गिला नहीं करना उन्हें जैसा कर देते यही मौका उनका जैसे जब कभी आया जाल हक को बजा कल बात तो आपके अंदर भी ये काम हो रहा है क्या अंदर हो रहा है अंदर खास शादी गीजड़ा फंक्शन कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं ये भी कर लो वो भी करो ये भी कर लो वो भी कर लो क्योंकि वो असली ख्वाहिश नहीं आई जिस पर बाकी ख्वाहिशात निसार की जाती है वो ख्वाहिश जब तक न पैदा हो आपके साथ यही रहेगा ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रॉम एंड फ्रॉम एंड टू एंड फ्रॉम भागते रहोगे चलते रहोगे वो कहता है कि क्या कहते हैं उसको मोहन उसको देखा हसन साहब को करवाया क्या कहा मैंने हसन साहब क्या कह रहा हूँ क्या क्या बयान था निदाई कुंदुली आई होता तो जब तक इंसान पक्का फंसता है तो बात नहीं समझ आती मैं चल रहा हूँ इसलिए सुनाता हूँ क्या सुनाता हूँ मगर फासले नहीं मिटते है का? मैं चल रहा हूँ मगर फासले नहीं मिटते ये हादसा भी मेरी जिंदगी में होना था बाजिया के चल रहा मुसलसल बेचारा सुबह चलाऊं शाम चलाऊं बिन सोचे अंजाम चलाऊं मकसद क्या चलना 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 चलते चलते उम्र कटी है क्या कहा देखो तो दो गांव चलाऊं शायद पूछो तो मैं वहीं का भी खड़ा हूं कहता जो आया कमाया मैंने जायज जायज वो तो वो लेगा उम्र मेरी वो वक्त लेगा कौन लेगा वक्त ले गया और जिनकी खातर हमने गवाया अपना टाइम वो आके चुरा गए तो हमने किया क्या कहते मैं इस बात के लिए अफसोस करूंगा क्या किया मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब भी तुम वही कर रहे हो अफसोस इस बात का नहीं है कि तुमने क्या किया अब अफसोस तुम्हारा बहाना है क्या है हाँ ये नकली अफसोस है अफसोस होता तो इस कारोबार से निकल जाते निकलते भी नहीं हो और रोते भी हो ये क्या बात है ये रोना ढकोसला है झूठ है वो जो है ना गुनाह पर रोता है कहते फिर बच्चा बशर है खाकी है फिर हो जाते सरदर्द हो जाते वो रोना उसका बंद कर कहते तू रोने वाला नहीं है बात समझ आई ये है असल में हम लोग एक बयान करते रहते हैं खाली बयान करते रहते हैं पर वो फैसला नहीं करते जब तक वो अजीम फैसला ना होगा कि आपने जाना किस कब्रिस्तान में मैं तो उससे पहले काम की बात ही नहीं करता क्या करूँ किस कब्रिस्तान में जाना है किस कब्र में जाना है किस कब्रिस्तान में जाना है झूठों के कब्रिस्तान में जाना है काफरों के गोरस्तान में जाना है अंग्रेज़ों ईसाइयों के कब्रिस्तान में शिया सुन्नी कब्रिस्तान में इधर से उधर कब्रिस्तान में
और अगर तुमने असली अपने कब्रिस्तान में जाना है तो अपने जैसे बात कर, अपन जैसे बात नहीं करता तो अपने कब्रिस्तान में चला जाएगा। तो ये है बड़ी ज़रूरी बात कि जब तक तुम अपनी इस्लाह नहीं करोगे, अपना फैसला नहीं करोगे, वरना एक आदमी ने गलती का फैसला कर लिया कि मैं छोड़ दूंगा, चाहे वो न करे, चाहे उसको मोहलत न मिले। अब ये आदमी जिसने कलमा पढ़ा दिल से कि मैं मुसलमान हो जाता हूँ और मर गया, वो जन्नत में जाएगा। अमल मुसलमान होने का कोई नहीं उसका, जिंदगी ने मोहलत नहीं दी है, तो गोया के नियत ही अमल बढ़ा देती है। दीजिए क्या है नियत। तो जिस आदमी की नियत होगी पक्की कि मैं ये छोड़ दूंगा, मैं उधर जा रहा हूँ, वो आदमी बच गया, बख्शिश पा गया। इसलिए आप लोग इस बात पर गौर करो कि जब बार बार तकरार होती है तो फिर आप उसको बचो, फैसला पढ़ी लेंगे। फैसला ये बहुत ज़रूरी है, इसको थोड़ा दरवाजा खोल दो। तो जिसने फैसला नहीं किया वो भैया कुछ करता रहेगा। दूसरा, अपना आइडियल बनाओ। आइडियल क्या बना? अपना नक्शो याद बनाओ कि किसके नक्शे कदम पर चलना है और मरते वक्त किसकी संगत में जाना है, कौन से कैंप को बिलोंग करना है। तो खाली एग्जिस्ट करते तो वो एनिमल करते रहते, सारे जानवर करते रहते, तो लाइफ को बामकसद बामकसद मांगी थी, इंशाल्लाह कामयाबी हो जाएगी। तो बदी क्या है? मकसद से दूरी का नाम है। बदी क्या है? नेकी क्या है? मकसद करीब होने। मकसद क्या है? ये इस्लाम, या मकसद जो भी इखलाक जो बना लो, जो चीज़ बना लो। तो ये चीज़ आपने सोचनी, बस मकसद जो है ना ये सही होना चाहिए और अज़्म पूरा होना चाहिए, वो अल्लाह का नाम लेके चलते हो। तो फर्क करो, रास्ते में हमला आवर होते हैं, हमला करते हैं, उसके बावजूद चल पड़ो, फिर चल पड़ो, फिर चल पड़ो। कोई तौबा टूट जाती है तो फिर आगे चल पड़ो, अता कि अल्लाह ताला मतलब आपको राम करे और संगत इख्तियार करो उन आदमियों की जो इस रास्ते के महरम है, आने जाने वाले, उसको इख्तियार करो। तो बाज़ औक़ात अमल के अलावा खाली दोस्ती जो है ना, ये एक अमल बन जाती है। वाह, कि आपने दोस्त बदल दिया, बस बस ला लो, अरे आपने अमल नहीं किया लेकिन दोस्त का किरदार आप में आ जाएगा। वाह, अगर तुम जिंदगी नहीं बदल सकते तो आपने दोस्त बदल लो। वाह, आज ये काम कर लो, इंशाल्लाह बस ला लो जाएगा। दोस्त बदल लो, संगत बदल लो, अपने बैठने ठहरने के ठिकाने बदल लो, लिबास बदल लो, उल्लिया बदल लो। अगर गाड़ी रखेगी तो फारा कर दो, फारा हो तो गाड़ी रखो, वो बदल जाएगा, किरदार बदल जाएगा, किरदार बदल जाएगा। अगर तुम जानते हो और तुम मानते हो कि ऐसा किरदार बेहतर है तो वो इख्तियार कर लो। खाली ड्रेस बदल लो, नीच वाला ड्रेस बदल लो, मकान फ्रेंड बदल लो, कुछ कर लो, ये छोटी सी बात बदले में कर देते ना जिंदगी बदल जाती। जो जिंदगी तुम इख्तियार करना चाहते हो उस जिंदगी इख्तियार करने वालों के करीब रहो, फिर आप भी इख्तियार करो। चलो बिस्मिल्लाह, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा, दुआ भी किया करो, इंशाअल्लाह मुझे मेरे फैसले पर काम रहने की तौफीक, मेरे फैसले पर काम रहने की तौफीक। देखिए बड़ी तौफीक है। और मैंने पहले बताया कि एक आदमी जो ये जानता है कि उसका माजी गलत हो गया, वो जो मैंने सोचा था गलत हो गया, जो सोचा था गलत हो गया, और आज भी वो अपने आप को साहब फिक्र मानता है, यह गलती। पहले मान लो कि तुम्हारी सोच सही नहीं है, जिसने मान लिया कि मेरी सोच सही नहीं है वो आदमी इंसान तला पा रहा, जा सोच को सही साबित कर दो। इसलिए ये बात ज़रूरी है, अस्तक पार का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जाला माफ़ी है उन फैसलों पर जो मुझसे गलती सलत हो गया, और माफ़ी मांगता हूँ इस बात पे कि जो मुझे करना था वो मैंने नहीं किया, और माफ़ी इस बात की जो मुझे करना था वो मैं नहीं कर सका, और जो मैंने किया ये मुझे करना नहीं चाहिए था। दोनों बातें। हाँ बाप बोलो, साकिब साहब बोलो। किसी के इंतकाल के बाद ये जो औलाद या जो अकरबा उसके लिए नेक काम करते हैं, और ये जो
कलाम पाक होना पड़ते हैं, क्या सर ये मरने वाले की अमल का हिस्सा बन जाता है? अल्लाह है कि नहीं है ये बताओ? है नहीं है? क्या है? है पक्का पता है? अगर आपके तलक अल्लाह से हो जाता है कलाम पाक के जरिए, ये किताब अल्लाह की है या किसी और की है? अल्लाह की है। अल्लाह आप किताब पढ़ते हो, अब अल्लाह उस आदमी को आपका सवाब पहुँचा सकता है कि नहीं ये बताओ? पहुँचा सकता है। नहीं पहुँच लो, पूछ लो किसी को लो कि आपकी नीयत उस आदमी को सवाब पहुँचाने की, क्या अल्लाह उसको पहुँचा सकता? पहुँचा सकता। पक्की बात तुम बताओ, पहुँचा सकता है ना? तो तुम तो डायरेक्ट अल्लाह से बात कर रहे हो कुरान पढ़ के, अल्लाह तेरा कलाम है, तेरे एक ऐसे बंदे के नाम जिसको तू अपने पास ले गया और हम भी इंशाल्लाह लाने वाले हैं, तो फिर मतलब ये कलाम किस वापस पूछा? और हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारी औलाद ये काम करे, उस काम को समझ आ जाए कि आपका कलाम पहुँचता है, तो फिर आप अपनी औलाद को ये समझाते जाओ कि बेटा और कुछ करो ना करो, हमारे मजार शरीफ है अकदस में, अच्छा एक कम अज कम दो बोल कराने पा के पढ़ाना, ये तो सिखाओ, और उसकी कबर पर औलाद पढ़ेगी जैसे कुरान जो आप माँ बाप की कबर पर पढ़ते। जाने वाले तो जाते नहीं है, मुसीबत यही है और यही खूबी है, खूबी भी यही है। मुझे बताओ कौन जाने वाला आज तक गया हो? रहने वाले रहते नहीं है और जाने वाले जाते नहीं। मैं मतलब मैं तो अपनी जिंदगी में किसी आदमी को असलाम वालेकुम नहीं किया जिस पर मैं गंज बख्शू, मुझे मजार ही मिला। तुझे क्या मिला? मजार ही मिला। हमारे अब्बा हजूर थे ना, वो भी कहते थे मिला मजार ही, जाए कशल मजूब मिला। मौलाना रूम के बाद गया, वो बन गई थे वहाँ पर, वो चला गया, कहीं चला गया, वो तो हमारे तो दिन रात मस्त हो रही है, मौलवी हर के शुद्ध मौला है, रूम का गुलाम में शब मौलवी मस्त मस्त हो रही है। तो वो तो हर घर में कुरान के बाद बोलता है मौलाना रूम, गया किधर है? जाता ही नहीं है, मुझे पता है ये खूबी है। वाह वाह, जाने वाले कभी नहीं जाते, सुभान वो मरने वाले वो हैं जो रह गए पीछे और भूल गए। मौत की तारीफ करो, मौत यह नहीं कि सांस खत्म हो जाए, मौत यह है कि पीछे रहने वाले भूल जाए। मौत क्या है? दैट पीपल फॉरगेट यू, ये असल मौत। सांस का रुक जाना मौत नहीं, आंख का बंद होना मौत नहीं, कुछ है मौत नहीं है, मौत यह है कि जाने वाले भूल जाए। अगर कोई शख्स याद रहता है तो वो जिंदा है, यानी कि याद करने वालों के दिल में जिंदा है। तो इसलिए बंदे में ये है कि उन्होंने तो मौत को जिंदगी बना ली है, तो ये लोग जिंदगी को मौत बनाए बैठे, तेरे दिल में जिंदा है। कहाँ जिंदा है? हमारे दिल में। अब एक दूसरी बात है, बड़ी वह है, याद नहीं सुन रहे हो? जी याद रखने वाली बात है, पर है मुश्किल ना सुने तो बेहतर कि एक इंसान खुदा न खास्ता उसका एक पाँव कट गया, पाँव कैसे चलेगा? बंडे खैर, बंदा जिंदा है कि नहीं जिंदा? जिंदा है। पाँव की बात भी? जी बिल्कुल, पाँव की बात जिंदा है। ठीक है, जिसे कोई हिस्सा कट जाए बंदा जिंदा है। एक आदमी है उसका जेन थोड़ा मूव हो गया, पाँव डिरेज हो गया जी तौर पर, अच्छा बंदा जिंदा है? जिंदा है। असन साहब आप आ गया जाओ, दीवार का टेक लगा लगा कि दीवार गिरा देगा। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, अच्छा यहाँ ही बैठे आपके बुलाया मैंने, इधर इधर बैठ रहे, यहाँ मेरा आगे आगे बैठ, उधर ट्रेक चेट आया था भाग जाए बेटा, आप जान के नींद आगे लगना है आपको। क्या कहा मैंने कि एक आदमी है उसका जेन मूव हो गया, तो आप ये कह रहे बंदा जिंदा है? अच्छा एक आदमी खुदा ना खास्ता फालिज हो गया, बंदा जिंदा है? तो बंदा क्या हुआ? वो टंग कटी जिंदा है, हाथ करके जिंदा है, एक काम से काना हो गया फिर जिंदा है, एक साइड में फलाइज हो गया फिर जिंदा है, चेन मूव हो गया फिर जिंदा है,
वर जिंदा, इस पे गौर करो। तो जिस्म का कोई हिस्सा एक भी जिंदा हो, जिस्म के साथ हो तो जिंदा कहलाता है। जिस्म का हिस्सा कहाँ भी जिंदा हो, एक आदमी मतलब जिस्म यहाँ मर गया, पाँव भी जिंदा है वहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट में, तभी जिंदा है, जिंदा है। अब आप ये देखो, समझाइए मेरी बात, एक आदमी है उसका खून किसी और आदमी को लग गया, जिसका खून है वो मर गया, जिसमें लगा वो जिंदा है, बंदा मरा कहाँ पर, बंदा नहीं मरा। आप ऐसे मेरे माँ बाप का खून तुम्हारे अंदर जिंदा है, माँ बाप के धर्म मेरे वो तो उनका हिस्सा है, तुम्हारे अंदर मौजूद है, तुम भी उनका हिस्सा हो। गधे लोग, नहीं बात कि तुम हिस्सा हो क्या, तुम वही हो, कहना जुर्म है न कहना भी गलती है। यानी कि ये जो है ना यार इंसान हो, हमने तुम्हें एक नंबर दो एक और से पैदा किया, बस अब एक से पैदा किया, डिफरेंट चीज पैदा की कि एक ही का हिस्सा है। अब ये सारा बात चलते आ रही है, मतलब एक ये बात समझाई, कितनी समझाई, कहते हैं मतलब खून मेरा, इसके पता करो ये नस्ल अच्छी रहती है, मुर्गों की नस्ल होती है, असील मुर्गा है, असील ही काम करेगा। कहते इसकी रगत में कुछ शरीफ का खून लगता है, तो खून जो है जाने वाले के बाद भी दूसरे जिसम में रहकर भी असील होता है, शरीफ खून शरीफ होता है, क्या ऐसी बात है। कहते हैं शक्ल से सेहत लग रहा है, ये आंख बताती है कि ये कोई फलाना खानदान लगता है, चिश्ती कादरी लगता है, नहीं जो मर्जी बता लो, गोया के नस्लें कायम है, इंसानों की शक्ल से पता चल जाएगा ये मुनाफिक है, ये शरीफ है, बोला बादशाह ये है, कोई बुरा क्रूर आदमी लगता है, नहीं पता चलता, गोया के किरदार भी नुमाया हो जाता है, खून भी नुमाया हो जाता है, और सब नसब शजरा नुमाया हो जाता है, मरा कौन कोई ये बात। वो कहते बाबा बच्चा गौर पे आ कोई और, कहते बुल्ले जा तो बाहर खड़े हो, गौर पे आ कोई और, वो कहीं कौन चला गया, कोई और ही पै गया। बात समझाई क्या कहा, अब आपके जिस्म के फंक्शंस क्या हैं, ब्लड सर्कुलेशन, खाना पीना, सांस, एक फंक्शन और है एहसास है, जिंदा करना, ख्याल करना, सोचना, माजी हाल मुस्तकबिल सोचना, पता था उन्हें अब भी पता है, तो जिंदगी जो है किसी के एहसास में जिंदा रहे, मरते नहीं, जब उनको याद करते हो तो नकद बात, याद करना, याद करनी तो जिंदगी है, याद करना ही इस आले स्वभाव है, इस आले स्वभाव के नाम पर देख के खाओगे तुम, पकाओगे तुम, नाम उसका, जिंदगी में किसी के नाम की देख पकाओ तुम खाते ना खाए, खाओगे तुम अल्लाह के नाम के पका के बताओ, अल्लाह के बताओ खाया खाया तुमने, अल्लाह का काम यही है, कहते मेरे नाम की नियाज पकाओ, पका लीजिए, कहते खा लो आप, ये तो अल्लाह का काम है, यानी कि नियाज अल्लाह के नाम की खाएगा कौन, आप खाओगे, तो बस जिसके नाम की नियाज है ये उसी काम है, हालांकि उसने खाया नहीं है। तो अगर किसी आदमी का मरने वाला नियाज में शामिल ना हो तो ये वो जिंदा ही है, ये बात नहीं, तो जिंदगी है जब किसी को इशारे स्वभाव पहुँचाना इशारे स्वभाव ही है। आप जब मुझे ये कहते सकते मरने के बाद कैसे सकते हैं, ये बड़ी टेक्निकल बात है, गौर से सुनने वाली बात है, कि मरने के बाद कैसे इशारे स्वभाव हो सकते हैं, तो आपके बाद मुसलमान है आप, जिंदा पढ़ना ही मरने के बाद है, कमाल की बात ये है, यानी कि जिंदगी में जिंदा पढ़ लो तो फिर तो मैं आपकी बात मान लूँगा, आप ठीक है यार, कहता बंदा मरेगा नहीं जिंदा पढ़ना, कितने पहुँचेगा, अल्लाह इस मैयत को माफ़ी बोल, मैयत को मरने के बाद माफ़ी कितने से आ जाएगी, तेरे कहने से, क्या कहा, तेरे जदादा पढ़ने से मतलब में उसकी मैयत की माफ़ी आ जाएगी, चलादा तेरा जदादा पढ़ना ही उसकी बख्शिश की बात है, तो क्या समझिए आपको, मरने के बाद ही तो बख्शिश होती है, तो जिंदा रहने वालों की जबान के साथ क्या होता है, जिंदा रहने वालों की जिंदा जानो, मरना जाना जाग जाना, मरने वाले जिंदा है, मरे पड़े तुम, बात समझाई, तो ये मतलब इशारे स्वभाव बाद में हो रहा है, इशारे स्वभाव ही जिंदा है, जिंदादा पढ़ना जो है ये जिंदा है, तो जिंदादा मरने के बाद है, तो गोया कि कोई मरता मराता कोई भी है, सिर्फ बात जा रही है कि बस फिर कान समझ में बनी, तो इंसान वो है जो भूल ना जाए, अपने आप को याद रखो, अपने अलवाकिन को याद रखो, अपने बुजुर्गों को याद रखो, याद ही जिंदगी है, बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि दुरूद जो है
ये पढ़ना बड़ी बरकत की बात है, और अगर जिस इंसान के लिए पढ़ रहे हो उसको जिंदा नहीं मानते, तुम क्या पढ़ रहे हो? दुरूद जिंदा का नाम है, तो दुरूद पढ़ना ही जिंदगी है, मतलब यही खूबी है। पसंद आप इसको कि एक वली है तो मुस्तफा वली है, बेस्ट करने की जरूरत पड़ जाए कि एक मज़ार है दादा साहब का, साथ एक मज़ार है गुमनाम किसी गरीब आदमी को जो दीन में भी तच्छन हो। अब आप देखो मरने का अमल ज़ायक़तुल मौत दोनों में बराबर हुआ, और आख़िरत का वक्त आया भी अभी फैसला होना हो, तो अब यहाँ डिफरेंस की क्या जरूरत है? इस फंक्शन में दोनों बराबर नहीं बात समझाई। मौत दोनों पर बराबर आई और दोनों का आखिरी फैसला नहीं हुआ कि बख्शिश गया है कि ना बख्शिश गया है, नहीं बात समझे? तो फिर आप मुअद्दब उधर होते हो, इसकी परवाह नहीं करते, बात क्या है? फैसला इधर ही होता है। क्या कहा? फैसला इधर ही होता है, उधर फैसला किधर होता है? फैसला तो यहाँ के लेके जाते हो आप, मकसद है कि ये दादा साहब का यहाँ का मुअद्दब होना, इतनी कमिंग जनरेशन का मुअद्दब होना, ये इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे है? ऐसे तो नहीं सकता। यही जो मैंने बात है कि वो फैसले हो गए और फैसले अनाउंस हो गए। फैसले क्या हो गए? अनाउंस हो गए। जो आदमी ज्यादा दिलों में जिंदा है वो ज्यादा ही जिंदा है, जो आदमी जिंदगी में भूला जा चुका है वो वैसे ही मर गया। तो जिंदगी क्या है? दिलों में याद रहना, दिलों में कायम रहना, यही जिंदगी बनानी आपने, और करना क्या है? लोगों से दुआ लेनी है, उनके दिलों में जिंदा रहना है, जख्मी नहीं करना दिलों को, एहसास मजरूह नहीं करना। ये है सारा अमल, इतना इबादत के मफहूम देखो सारे के सारे हैं अल्लाह के हवाले से इंसानों के साथ नेकी। हवाला क्या है? अल्लाह रजू उधर है, और इसकी मदद इंसान की है। जाना अल्लाह के पास है, मदद इंसान की है। जाना अल्लाह के पास है, इंसान को माफ़ी दे दो, और अल्लाह राजी करने के लिए अखरात इसको कर दो, किसको? बंदे को। अल्लाह अभी जब अल्लाह पढ़ रहे थे बकरतुल्लाह कर दो हसन, अल्लाह को कर दिया हसन दे दो, अल्लाह क्या करने लगे लोन अल्लाह को, लोन की क्या जरूरत है? मकसद ये कि लोन की क्या जरूरत है? ये जो है ना वाक्य किसी बंदे के लिए कि तुम इसको अल्लाह का बंदा समझते, इसको लोन फ्री है, कर्ज ऐसा नहीं, बाकी चूज साथ ना लो। तो बात क्या हुई? अल्लाह के नाम पर खिदमत बंदे की है, ज़कात अल्लाह के नाम की है, देना बंदे को। ये राज अगर आपको समझ आ जाए ना कि अल्लाह ने क्या की, आपने आप मांग लिया 2.5% दे दिए इसको, चौधरी जमा देना, वो गरीब था उसको दे दो। तो ये है अल्लाह ने अपने नाम पर गरीब को दिलवा दिया, ठीक है, अच्छा मैं ही देता हूँ। लिल्लाह खज़ानु समावात, ज़मीन व आसमान के खजाने अल्लाह के लिए, और अगर आज पूछो तो मोतियों के खजाने माला माल, उसके समंदर भरे पड़े मोती थे, कोई मालिक नहीं मान सकता, अल्लाह आप ही मालिक है। पहाड़ मतलब बाद यहाँ से भरपूर है, उन्हें चांदी ढेर पड़े, बल्कि बंदा ही अगले में उनका अपना है, अंदाजा लगा। तो फिर जो गरीब मारूम है उसको अपने जाती अकाउंट में दिला दी, वाह बंदा क्या चाहे, बस वो मालिक जो हर कहते हैं मैं मालिक हूँ, मैं खालिक हूँ, मैं हर क्या के मालिक हूँ, और मेरे पास अफवाज समावात और अर्द है, यानी लश्कर के लश्कर है हमारे, खजाने के खजाने हैं, मैं बादशाह का सुल्तान मुबीन, मैं बहुत बड़ा सुल्तान का बादशाह हूँ, सबसे बड़ा सुल्तान का बादशाह, थोड़े पैसे दो तीन दे दे, ये अल्लाह ही कह सकते, छोटे मोटे बंदा तो कर दे सकता ये काम, ये मालिक ही कह सकते कि 10 रुपये दे देते दे रहे थोड़े बेचारा गरीब आदमी, वो मालिक है खजानों के, हमारे सूरज है, हमारे चाँद है, हमारी बादशाह है, एक बार बोलते जा बोलते कहने दे 10 रुपये वो दे दे, इसको न्याज दे दो, इसको मेरे नाम के पैसे दे। तो फिर अगर ज़रा आप गौर करो तो आप समझ आ जाएगी कि बात क्या है, अल्लाह की बात अल्लाह ही है, यही बात है। पर आप समझो इसको क्या करना है, वरना अल्लाह काम अच्छा ये होना चाहिए था कि है मेरे इंसानों, नबी के पैदा होने के बाद मैंने उस पर दुरूद भेजना शुरू कर दिया, और उनके ज़ाहरी मिसाल के बाद मैंने दुरूद बंद कर दिया। अगर आप उनकी ज़िंदगी में आओ, ये क़राब किताब पढ़ो तो आप दुरूद भेजना, और अगर ये ज़ाहरी ज़िंदगी मिसाल का जाए तो फिर आप भी ये दुरूद न भेजना,
तो मैं पढ़ता चला आ रहा हूँ, तुम भेजता चला आ रहा हूँ, तुम भेजते चले जाओ किस पर? जिंदा पर, जिंदा पर। तो ये सारा बाकी जो लोगों ने मतलब पहचान किया आपको, मरता तो है कुछ नहीं। जो गैर है मर जाएगा, क्या है जो गैर है वो गैर मर जाएगा, जो कुफर है मर जाएगा, जरा मर जाएगा, रोशनी हमेशा कायम। सुभान, यही देखने वाली बात है कि रोशनी कायम है। आप ये फैसला करें तो रोशनी कायम, ईमान कायम, बाकी सब कुछ फानी, बाकी सब फानी। अब ये देखो क्या उसने कहा, कुल्लो मन अलैहा फान व यबका व जो रब्बे कजूर जगह। हर शहर फानी जो यहाँ पर है, ये जमीन आसमान सब फानी, बाकी कौन रहेगा? इसकी ज़ात है रब्बे जलाल, मेरे रब का चेहरा कायम रहेगा, वो बाकी रहेगा, वही बाकी है, वही मालिक है, वही बाकी है, अब बुला करके वही मालिक है। आके रहे बोला पानी, इसको बदल बदल। अब देखो एक बात, ये अल्लाह ताला का इरशाद है, सुन रहे? ला तकूलू लिमन युक्तल फी, ना कहो उनको मुर्दा जो अल्लाह की रहम मर जाए, भला हो जाओ जिंदा, बुला के ला दो जो अल्लाह की रहम में शहीद हो गए वो जिंदा। अब ये बताओ अल्लाह की राह क्या है? अल्लाह की राह में जो लोग मर गए वो मुद्दा में कहो इस रात जिंदा है, तुम्हें चूर नहीं है, समझो अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो गए वो जिंदा है, तो फिजिकली तो डेथ हो गई, अब जिंदा कौन? क्या दो बंदे होते एक मर जाते जिंदा रहते थे, एक बंदा मर भी गया जिंदा भी है, चलो ये बस अलग सोचा जाएगा कि बंदा जिंदा है मरने के बाद भी, जो अल्लाह के नाम पर मर जाए, जो हजूर के नाम पर मर जाए वो भी जिंदा, ईमानदार आपके क्या ईमान कहते हैं जिंदा जिंदा है, अल्लाह के नाम पर मर जाए जिंदा, हजूर के नाम पर मर जाए तो जिंदा, तो हजूर के नाम पर जो मरे वो जिंदा है हजूर, आप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कमाल को तो जाए, और जो मर जाए तो जिंदा है, जो इश्क में जिंदा रहे वो भी जिंदा है, सुभान अल्लाह, तो देखो फिजिकल डेथ की बात नहीं है, जो इश्क में जिंदा है वो जिंदा है, तो ये एक मौत है इश्क का करना, अल्लाह से इश्क जो है, इश्क के अंदर रहना जो है फकीर वो जिंदा है, क्योंकि वो अंदर से माँ सेवा से मर गया, क्या मर गया? जो माँ सेवा से मर गया वो माँ बुराका हो गया, सुभान अल्लाह। अब ये बड़ी बात है कि माँ सेवा से मर जाना क्या है, माँ सेवा से मरना बड़ी बात है, गैर तो उसका है ही कोई नहीं, रह गया गैर तो खत्म कर दिया, इधर से मर गया उस दुनिया से मर गया, उस दुनिया में हमेशा ये है जब का मुसाफिर हमेशा रहने वाले, लिहाजा सच पूछो तो मरने वाले पर जो कलाम भेजते हो वही तो असल अचीवमेंट है, जिंदा इंसान ने जिंदगी में एक ही बात हासिल करनी है, आपको तो क्या होती कि लोगों को माल करके जाए कि दो आदमी दुरूद पड़े हो कलाम पढ़े हो, बस ये सबसे बड़ी हो, और सबसे ज़्यादा दुरूद और कलाम और नात हम बढ़ी जाते हैं, सबसे बड़े आदमी आप हैं, और लिहाज राम के ऊपर फिर कम और वो बढ़ जाते, और अच्छे माँ बाप के ऊपर अच्छी औलाद जो है वो पढ़ती रहती है कलाम पढ़ती रहती है, बस यही बात, ये अचीवमेंट है, यही नाम है, यही रिजल्ट है इनका, तो तुमने माँ बाप के लड़के से निकालना है, तुमने माँ बाप कहाँ भेजना है, गुमनामी में भेजना है, फरामोशी में भेजना है, या जिंदगी में भेजना है, तुमने भेजना है, किसने भेजना है? तुमने भेजना है, मरने वाले को जिंदा नहीं भेजना है, कहाँ ले जहाँ मर्जी भेज दो, और अगर तुमने गुमनामी में भेज दिया फिर तुम भी गुमनामी में चल जाओगे, नेक नामी में भेजो जिंदा रखो, बल्कि हर रोज हफ्ते में दो दफा जिंदा रखो उसकी याद को, दिन मनाओ डे मनाओ, आज उसकी जन्मदिन मनाओ, आज उसकी और मनाओ,
तो मरने वाले को जिंदा रखो, ये तुम्हारी क्या, ये तुम्हारी तो उनकी जिंदगी को याद रखो और तुम्हारी जिंदगी है। कहते और कुछ नहीं है तो उनके पसंद के खाने पका लो, खाओ खुद जाओ, क्या खाओ खुद, उनकी रूह जो होती है ना वो आगे बढ़े खाने के साथ, अब फ्लेवर देखती है रौनक लेती है, दुआ देती है, उनकी पसंद की चीज़ें मतलब किया करो, ये बड़ा ज़रूरी है। तो गोया के जाने वाले कभी नहीं जाते जब तक रहने वाले भूल न जाए, रहने वाले जिंदा हैं तो वो जिंदा है, मेरा मज़ार सीना अहले नज़र में है, असल मज़ार ये सीने के अंदर है। तो बोलो आप लोग बोला करो ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो, बड़ी देर के बाद मतलब ये जो मेरा आज नसीब हुआ, हाँ क्या बोलो, कुछ बोल, पहले डॉक्टर साहब ने सवाल किया था तो आपने जवाब में फरमाया था कि तरजीहात आदमी को तय कर लेनी चाहिए, आदमी खुद तो कर लेता है तय, लेकिन उसके साथ की दो चार और लोग भी लगे होते हैं उनकी भी तरजीहात होती है, तो उसमें कुछ क्लैश होता है, उससे बचने का कोई तरीका? जहाँ क्लैश है वहाँ बाईपास कर जाओ, और ये इसका तरीका ये बाईपास कर जाओ, बाईपास उसके सामने थी अगर खुदा तो मर गया तो क्या बनेगा उनका, वो अभी दरियात आप पूरी गए जहाँ तुम उनकी दरियात पूरी करने वाले हो, प्रोवाइड करने वाले हो, वहाँ प्रोवाइड करो, अंदाजा लगाओ ये बात अल्लाह से गौर करो, इतना बड़ा अल्लाह, इतना बड़ा दावा कि ज़मीन में जो कुछ है इसके रिज का मैं जामन, बड़ा आसानी से बंदों को फाके से गुजारता है, अपने अल्लाह क्या समझे, तुम कहते ये कैसे होता है मैं मेहमानों को खाना नहीं खिलाऊं, भागल मेहमान का इस बात के जब आए नहीं तो घिरा हो गया, वो अल्लाह के नहीं देता मर्जी, तुम कहते ये मालिक की बात है तो इंसान की क्या बात है, कहते हम ही प्रोवाइड करते थे, हम तुम्हारी तरजीहात को मतलब नहीं करते थे कैटर वार, हम बगैर मेरी तरजीहात मतलब मेरे साथ है, मैं नहीं चाहते तेरे साथ मेरी आदमी ही खराब हो, अगर आधा फिर आपका बहनी में बहन कमरों ने कहा है कितने का तो कमरों को कहा गया आधा फिर आपका बहनी में बहन ये तेरे मेरे दुनिया जुटाइए, यू गो योर वे आई गो माइन, तो आप रास्ते दो हम आपको तो जुदाई होगी, ये दरियात कौन रोकता आपको, ये दरियात वाले कहता है कि अल्लाह को इस वक्त तुम याद करो मेरा को काम करो, तो तुमको ठीक है फिर तेरे साथ अल्लाह का ये इतने सारे मेरे ये मेरी प्रायोरिटी है, तो तू दरियात को छोड़ो, क्लैश नहीं होता कभी होता, क्लैश कमजोर आदमी के साथ होता है, क्लैश क्या मच्छर क्या क्लैश करेगा, ऑपरेट कर ब्रेक कर दोगे मर जाए, बात नहीं समझ, कोई क्लैश नहीं है, क्लैश तुम्हारी अपनी कमजोरी के नाम पर, सिंसियर हो जाओ तो क्लैश को नहीं कर सकते, कहते देखो ये है मेरे कथा 980 रुपये ये ले लो तुम एट दी मोस्ट, गुजारा कर सकते तो करो नहीं कर सकते तुम्हारी मर्जी, यहाँ रहना है तो रहो जाना झगड़ा नहीं करो, फैसला कर लो मेरे साथ हक मार अपना बताओ कितना झगड़ा करो, कितनी लगाओ और लाओ और मैं कितने से लाऊँ, ये मेरे आदमी के भाई है रहा कि हराम मैं तुम्हारे लिए अपनी आकमत खराब नहीं कर सकता, दैट्स प्रैक्टिकल तरीके क्लास किस बात में, और जब चार दिन के बाद उनको पता चल जाएगा ये तो नहीं मानेगा बस खत्म होगी बात, क्योंकि उन्होंने आकबत के वक्त खुदा खास कमी होगी ना, उन्होंने शेयर नहीं करना, तुम्हारी दौलत शेयर करने वाले सजा शेयर नहीं करेंगे, क्या है सजा में जाना, उनको लिख लो अपना लो ऐसा गरीबी है बादशाही है करो, अल्लाह को राजी करने का हमें तुम्हें राजी करना, तो आप उनको राजी करते हो राजी दुनिया को करते हो तो नाम अल्लाह रखा हो, ये क्या बात है, ईमानदार बन बस काफ़ी उम्र होगी आप सदाकत पहले कर लो, हाँ आप बोलो, आप लोग क्यों नहीं बोलते, आप बोलो, आप बोलो, आपने फरमाया था कि अशा की नमाज के बाद आप कुछ देर के लिए दुरूद शरीफ पढ़ा करें ताकि खुदा की
जमात में आप भी शामिल हो सकते हैं। हाँ। तो अगर एक शख्स जो है पूरा दिल्ली इसे पढ़ना चाहे उसके लिए आप उसके लिए तो मैं यानी कि अगर शाम को ईशा के बाद पढ़े तो उसको मतलब जमात में शामिल है, दूसरे तो बिल्कुल शामिल है। उसके ईशा के बाद पढ़ना चाहे बरकत के बाद सारा दिन पढ़े बहुत ही बरकत की बात है। हम तेईस में सुनना चाहते हो हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कहे जो अल्लाह की राह में 2.5% अदा करता है क्या अच्छी बात है जी, कहते सारे अदा कर दे फिर और अच्छी बात है। ये कौन सी बात है अच्छी क्या बहुत अच्छी होता है। और क्या बात बोलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलो। शाबाश सुना चाहिए। आपके जो कैंसर है जो सोचे ध्यान में आती है वो एक बात यूज हो जाती है कि जब इस्लाम में अल्लाह ने पैदा किया तो कदम कदम पर सांस सांस पर तो हिदायत है, और जब अगर ये तो पूरी जिंदगी बड़ी बुराई बात है, गुनाह का है, गुनाह दो किस्म का है। एक बने हुए स्कूलों के अलावा कोई स्कूल बना लेना पीछे गुनाह, और समझ मेरी बात, जब ये कहा गया ना सूद नहीं लेना तो हमको लेने में क्या फर्क पड़ता है, इसमें क्या गुनाह है। जहाँ फैसला अनाउंस हो चुका वहाँ अनाउंसमेंट मान लो चाहे समझना है, उसके अलावा कोई अमल करोगे तो गुनाह। गुनाह का मतलब हुक्म से इनहराफ, एक बात। अब जो गुनाह है इसको तफसीर बयान करो तो मेडिकल गुनाह यह है कि सेहत के असूल के खिलाफ कोई खुराक खा जाओ, ये गुनाह है सेहत का। इसे दीन का मतलब गुनाह है यही है कि जो दीन के हुक्मनामे हैं उनसे अलावा कोई काम करो, उन्होंने कहा कि नमाज अदा करो नमाज अदा करो, पाँच वक्त पाँच वक्त, रोज़े 30 रखो 30 रखो, कहते एक ही रोज़ा सारा कबूल हो जाता, बड़ी बात है ये ना गुनाह। बाकी वजूद की बातें हैं, वजूद के काम है, जितने भी गुनाह हैं उन्होंने कहा गया कि वजूद को आलाइश में न रख, इस्माज साजी है कि अगर तुमने मतलब वजूद को गैर डायरेक्शन में लगा दिया तो समाज सारा तितर बितर हो जाएगा, इंतजार हो जाएगा, इसलिए इसको वजन में रखो बंदे चालो। दिल का हदूदुल्लाह ला दिख रहा, ये अल्लाह की मुकर की हदें हैं, इनके करीब बच जाओ, यानी कि पूरे खोल के बांध दिया कौन से लोग हैं जिनके साथ हमारी शादी नहीं सकती है, ये है वो है वो इधर खाला है ये सारे बोले अलग क्या फ़र्क पड़ता है शादी हो जाए तो, लेकिन मना कर दी कि ये रिश्ते जो है ये नहीं आते, तो ये है हदूदुल्लाह, ये काम करोगे तो ये हद है। चोर के हाथ काट दिए, चोर क्या है दूसरे का माल उसकी इजाज़त के बगैर इतला के बगैर ले लेना, चोरी क्या है किसी का माल उसकी इजाज़त और उसकी इतला के बगैर ले लेना चोरी होगी, सजा क्या है हाथ काट दिए ताकि दोबारा ये काम ही ना हो, एंड ये गुनाह है, हदूद के तोड़ना गुनाह है। बाकी जहाँ पे जितने भी गुनाह हैं सारे के सारे तुम्हारी विल पावर कमज़ोर करने वाले उन्हें गुनाह कहते, जो आपको सफ़र के लिए नाइल बना देती है, हर वो चीज़ सफ़र के लिए नाइल बना देती गुनाह है, हर वो चीज़ मैं शराब है क्यों गुनाह है, इसलिए गुनाह है मना है कि ये तुम्हारे जहन को खराब कर दे, जहन ही बदहोश कर दे। रिश्वत क्यों मना है, वैसे तुम मगरूर बना दे, मगर तुम पैसे के हिसाब ही गलत करके किसी का ले लिया निजात पैसे, कहते अगर ले चुके हों तो अब क्या किया जाए, फिर अब ये अलग बताने वाली बात है जो गुजर से पहले ले चुके हो तो क्या करना, अलग पूछने वाली से मेरी बात भाई यह है गुना।
वो एक मकाम पर कहा गया कि इस्तिगफार न पढ़ने गुनाह है, क्या है गुनाह है, नेकी से महरूमी के नाम गुनाह है, कि नेकी नहीं कर रहा था ये गुनाह थोड़ा। वो कुछ वक्त तेरी याद से गाफिल रहा था मैं, क्या कहा, कुछ वक्त तेरी याद से गाफिल रहा था मैं, वो लम्हे कर रहे हैं मुझे शर्मसार से, ये गुनाह मुझसे दर्द हो गया, क्या गुनाह हो गया, हाँ कुछ वक्त तेरी याद से गाफिल रहा था मैं, वो लम्हे कर रहे हैं मुझे शर्मसार से, कहते मुझे तो ये गुनाह होगा कि मैं तुमसे गाफिल रह गया थोड़ी देर के लिए, मुझे गफलत है ये गुनाह पर्दा, यानी कि मुसलमान होने के बावजूद नूर नहीं देखा, इतने बड़े गुनाह क्या होते हैं। उसको कब कहा था आपने, नहीं हर वो शख्स जो इनाम का मुस्तहिक हो सकता है वो सजा का मुस्तहिक, ना तुम्हारी नेकी की इनाम है ना बदी की सजा है। आप ये कहते या अल्लाह मुझे नेकी की कोई इनाम नहीं चाहिए, बदी की सजा नहीं है, बस बराबर होगा काम, मतलब तुम्हें आप कह रहा है जजमेंट वाला डे क्या होगा, काफरों में होगा, कहते अल्लाह मैं तुझे नहीं मानता, गए थे तुम बाहर ना, मानने वालों के साथ आना ना अंदर, उस वक्त देखा मंदिर क्या होगा, ओ क्या क्या किस ले मंदिर बोलकर जाओ उनके लिए क्या हो यार, आज किसकी बादशाही है, वहां पर कहा होगा तेरा मानो रही वाली बात खत्म हो जाएगी, फिर मेरे थर थर कम बैठे भाई जो मर्जी करे, अब जागो ना जागो कम कम ना कहो, मुझे कुल काफरों या ले तो नहीं कुन तो चुराबा, और काफरों में जब आओगे तो मुझे काश हम मिट्टी होती छान दो, कैंप कैंप बना लो मुसलमान काम छेड़ो कह रहे थे, बख्शे अच्छी बात है ना, एक रहमत कर चुबा कि या ले मुझे अमल से मत माफी बोल देते क्या है कई बातों में, तो रहमत कह सारे निकल जाओ, और अगर मुसलमान उज्जत करे काफरों वाली तो फिर एक बात याद रखना कि अल्लाह के साथ जाना हो जाते अल्लाह जाना वाले बोलते तो तुम्हारे दिनों को पैदा करने वाला क्या दिन लड़ाओगे उसके साथ, बुल्ला खैर माफ करी भाई तो भाई बातें तोड़ देगा, कहीं तुम दोस्त को बनाया तुम जिंदगी को बनाया, बेट ये सवाल है उस तबके का, उस पर जाके बात कर, इस तबके का नहीं है मानने वाले का, मानने वालों में रह के ना मानने वालों वाला सवाल मुनाफिक का, मुनाफिक क्या नहीं लड़ाई की बात नहीं, एक आदमी मतलब आपका बच्चा है तो आपके हुक्म से बाहर हो जाता है बच्चा, फिर बच्चा आदम से गलती हो जाती है आदम फिर आदम मुसलमान से गलती हो जाती है काफिल हो जाता है बाद में, एक बात है ऊपर से टांग लगा हुआ वो गलती करता है भाई, और मां की ताकतें होती है फिर गंभीर रात को लगाने वाले आ जाते हैं, ये कौन सी बात, ये तो अल्लाह ने भी नहीं कहा कि ये क्या मानना है, तुम कैसे कह सकते, कितने इंसान है कताल सियान का पुतला, अच्छा कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने कमजोर पैदा किया, मैंने पानी कमजोर किया यही पैदा किया, इसमें ये कौन सी बात है, ये नहीं है कि कोई मुड़ा क्यों मुझे काफिल क्यों हुआ ये गुनाह क्यों किया, ये देख के गुनाह करने के बावजूद उस बंदगी की तमन्ना नहीं मरी, ये है इसकी खूबी मुसलमान की, ये खूबी है, तो अब किसका गुनाह नहीं माफ होता, जो गुनाह करने के बाद गुनाह पर फख्र करे, जिसको गुनाह के बाद नदामत हो जाए उसको भी बख्श दो, बस मानने वाने की बात होती है, ये ना कहना ये क्या मान लो गुनाह तरदाद हो जाए, गुनाह तरदाद फितरत के अंदर नफ्स लगा पड़ा है, नूर मिन शुरूरियान फसना मिन शुरूरियान फसना, अपने नफ्स के अंदर चल रहा है वो चलता रहता है जब तक कोई समझाए ना, मैंने पूछा मानने वाले में अंदर आ जाते हैं यार आ गया और अभी मैं जाता है, क्या ऐसी कोई बात नहीं है घबराने वाली, इससे ईमान नहीं खत्म होता, इससे मतलब सफर में रुकावट आ जाती है, ईमान है मंजिल का नाम चलती जाती है, जरा थोड़ा सा रास्ते में रुकावट आ गई आ जाती है, जिंदगी के बताया
جس طرح آپ کے اندر زندگی میں کوئی خیال میں قبضہ جاتا ہے نہیں آ جاتا ہے. قبض اور بس دو چیزیں, انبساط اور انقباض. انقباض کر جاتا ہے خیال میں بھی آ جاتا ہے, ایمان میں بھی آ جاتا ہے. چلو دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے ایمان میں کبھی رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ ایمان میں کبھی رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بریا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ نے دین کی خدمت کے لیے توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ اس ملک کی خدمت کے لیے کوئی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک دوسرے کی خدمت کے لیے توفیق عطا فرمائے. آمین. اپنے بزرگوں کی خدمت رسول اللہ. آمین.